रहमान रहीम फ्रेंड्स अस्सलामु अलैकुम। आई एम बीन जूनस रिप्रेजेंटिंग masterji.com। आज हम आपके साथ हैं एक न्यू लेक्चर को लेकर और आज का लेक्चर भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है प्रिपरेटरी ऑपरेशंस इन फूड प्रोसेसिंग। जब भी हमने फूड को प्रोसेस करना होगा आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसको हम इंडस्ट्रीज में लेकर ले आएंगे, फैक्ट्रीज में ले आएंगे, तो हमें जो उस पर प्रोसेसिंग ऑपरेशंस लगाने होंगे उसके मुतल्लिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने फूड प्रोसेसिंग जब करनी है तो कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं, प्रिपरेटरी ऑपरेशंस हैं, वो उस पर अप्लाई होंगे। यानी कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम फूड को प्रोसेस करने से पहले उसको प्रिपेयर करने के लिए अप्लाई करेंगे। आपको पता होगा अगर हम घरों के अंदर कोई भी जब कोई खाना बनाने लगते हैं या कुकिंग करने लगते हैं तो उससे पहले हम जो हमारी फूड कमोडिटीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने घर के अंदर कुकिंग करनी है और कुकिंग करने में हमने सब्जी बनानी है, तो सब्जी की पहले हम स्लाइसिंग करेंगे, उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में हम कन्वर्ट करेंगे, उसकी डाइसिंग करेंगे, छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम डालेंगे यूटेंसिल्स के अंदर फॉर कुकिंग पर्पस। तो ये जो प्रिपरेटरी ऑपरेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी, ताकि फूड सही तरीके से प्रोसेस हो सके। जिस फूड को भी आपने प्रोसेस करना होगा इंडस्ट्रियल लेवल पर या हाउसहोल्ड लेवल पर, उसको पहले आप प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेटरी ऑपरेशंस जो होते हैं उनकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो कुछ यूं होती है, द ऑपरेशंस एम्ड एट इंश्योरिंग द रॉ मटेरियल इज ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। के ऐसे ऑपरेशंस जो ये इंश्योर करें कि जो मटेरियल, रॉ मटेरियल आपके पास इंडस्ट्रीज में आया है, उसमें से आपने इसकी जो क्वालिटी है वो डिजायरेबल हो, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और अनवांटेड पार्टिकल्स रिमूव कर दिए जाएंगे, तो तब वो फूड रेडी होगी कि इसको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दें। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स के प्रिपरेटरी ऑपरेशंस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं जिनको मद्देनजर रखना जरूरी होता है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जब आपने आफ्टर हार्वेस्टिंग फूड को इंडस्ट्रीज में लेकर आना है तो फर्स्ट जो उसमें चीज आती है वो है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। कि आपने जो उसकी हैंडलिंग है वो सही तरीके से करनी है फूड कमोडिटीज की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से करनी है, उसमें किसी किस्म का जो है वो मसला ना हो जिससे फूड हमारी खराब ना हो सके। सेकेंड है क्लीनिंग, फूड को आपने साफ करना है। थर्ड वन इज सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, फूड को आपने उसकी सॉर्टिंग कर लेनी है, जो सही फूड है उसको बाहर निकाल लेना है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको साइड पे कर देना है, ग्रेडिंग कर लेनी है कि ये फूड किस ग्रेड का है। फॉर एग्जांपल एप्पल है, ये एप्पल इस ग्रेड का है, ये इस ग्रेड का है, उसकी ग्रेडिंग कर लेनी है आपने उसकी क्वालिटी की बेस के ऊपर। रिमूवल ऑफ इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के वो पार्ट्स होते हैं जो खाने के काबिल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जो एप्पल है उसका जो इनर पार्ट होता है जिसे हम कोर कहते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी प्रोसेस को कहते हैं कोरिंग, वो उसमें देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है साइज रिडक्शन, जो हमारे पास एप्पल है या कोई भी फूड कमोडिटी है उसकी आपने साइज रिडक्शन कर देनी है, उसको छोटा कर देना है ताकि वो प्रोसेसिंग के लिए आसानी से कंज्यूम हो सके, उसको आगे भेज सकें। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सिंग, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशंस हैं जैसे हमारे पास सिरप्स हैं या हमारे पास कोई इस तरह के पाउडर फॉर्म में है दो तीन चीज़ें, उनको आप उससे पहले मिक्स करेंगे प्रोसेसिंग से पहले। नेक्स्ट हमारे पास फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन से हम जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, और इस तरह की टेक्निक्स अप्लाई करनी है फूड के ऊपर कि उसमें से एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ना हो। ये जनरल मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से हम इन मेथड्स के जरिए जो अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अब वन बाय वन इनको हम आगे लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास आती है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों को मालूम होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 40% जो फूड होती है वो लॉस हो जाती है आफ्टर हार्वेस्टिंग। और लॉस क्यों होती है, उसकी मेन जो रीज़न है वो है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग फूड कमोडिटीज को आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको हैंडलिंग सही नहीं करते उसकी, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं करते।
इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है कि जब भी हमने फूड को उसकी हमने चेक करना है कि फूड किस उसकी जो फूड है वो किस तरह की है, उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाए ताकि वो सेफ रह सके। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कंटेनराइजेशन कि हमने कंटेनर्स के अंदर फूड को जो हमारे पास दूसरे जो फूड रेलिवेंट मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं तो उनको हम कंटेनर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। कंटेनर्स प्रॉपर सील टाइट होंगे ताकि कहीं से भी फर्टिलाइजर केमिकल जो है वो निकल ना सके बाहर। नेक्स्ट हमारे पास अगर जो ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, जो दाने हैं जैसे गंदम वीट हो गई हमारे पास या राइस हो गई या इस तरह की और जो हमारे पास डिफरेंट ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाता है, उनका सूटेबल वे ये है कि उनको सैक्स में मतलब जो बोरियां होती हैं उनके अंदर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मीट कार्केसेस। हमारे पास जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मीट के कार्केस होते हैं, मीट के पार्ट्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम बड़े बड़े ट्रक्स यूज करते हैं। उन ट्रक्स के अंदर व्हीकल्स के अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बहुत फायदा होता है ताकि जो मीट प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। आपको पता है कि जो मीट होता है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो उसको हम रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स के अंदर हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं और इसको मूव करते हैं। कुछ बैकवर्ड एरियाज के अंदर हमें देखने में मिलता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि यहाँ पर जो मीट जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो बाइसाइकल्स के ऊपर, बाइसाइकल्स के अलावा हमारे पास जो मोटर बाइक्स हैं, मोटर बाइक्स के अलावा हमारे पास जो ओपन एयर कार्स हैं उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। उससे कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे तो वो जो फूड आगे पहुँचेगी इंडस्ट्री लेवल पर वो प्रोसेसिंग के लिए डिजायरेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिश। फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम मोस्टली आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी और नॉर्मली जो लोग रहते हैं सी एरियाज के पास हैं रिवर साइड्स पर कि हम बास्केट्स यूज करते हैं उसमें फिश इजीली आ जाती है। एक्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रेस के अंदर। इसकी ट्रेस आपने हर शॉप पर जो नॉर्मली परचून की किरयाने की शॉप्स होती हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर ये जो इसकी ट्रेस बनी होती हैं एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह की इसको हम अरेंज कर देते हैं ताकि जो एग्स हैं अंडे हैं वो टूटे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एक होता है कि जल्दी टूटने के चांस होते हैं, इसलिए इनको एक सॉफ्ट ट्रेस के अंदर जो होते हैं उनको पैक कर दिया जाता है। ये होगी कि हमने हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट जो हमारे पास फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको किस तरह से हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना है, ये इनके अप्रोप्रिएट वेज हैं। जब भी आप फूड इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे या फिर आपने घरों में रहकर इस चीज़ को फॉलो करना होगा तो ये बेसिक पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लीनिंग। हमने फूड कॉमोडिटीज की क्लीनिंग किस तरह से करनी है। क्लीनिंग में हमारे पास सबसे पहले है कि जो हमने फूड कॉमोडिटी है उसको फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोटली उसमें से खत्म कर देने हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैरेट्स होते हैं या पोटैटोज होते हैं, कैरेट्स और पोटैटोज जो कि सॉइल सरफेस के नीचे ग्रो करते हैं उनमें जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा अटैच हुए होते हैं, तो उसकी वजह से जो उसमें कंटेमिनेशन होती है वो भी ज्यादा होती है। तो इस वजह से जब उसको हम आगे इंडस्ट्रीज में लाते हैं तो उनकी क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी के अलावा क्लीनिंग में हमारे पास और क्या क्या चीज कंटेमिनेशन कर सकती है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं या स्मॉल पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसमें फॉलियज, ट्विग्स, स्टॉक्स, जो हमारे पास घास फूस हो गई या किसी चीज के जो उसके टीले हो गए या घास इस तरह की और चीजें जो होती हैं, उसकी दरख्त की छाल हो गई, इस तरह डिफरेंट चीजें भी हमारे फूड कॉमोडिटीज के अंदर ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो मेटल कंपोनेंट्स कुछ होते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, ग्रीस होती है और रोप्स, स्ट्रिंग्स, इस तरह के भी जो क्रॉप्स के अंदर जो कंटेमिनेशन है वो शामिल होना शुरू हो जाती है। और आखिर में हम देखते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यूज और फर्टिलाइजर्स की कुछ अमाउंट भी ऐड हुई होती है। अब इन सारे कंटेमिनेशन को, इन सारे कंटेमिनेंट्स को आपने क्लीन किस तरह से करना है इसको देखते हैं। ओके गाइस, अब हम क्लीनिंग के प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्लीनिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास होती है ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग। इंडस्ट्रीज के अंदर हम अपनी फूड कमोडिटीज को इन दो प्रोसेसेस के जरिए क्लीन कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं ड्राई क्लीनिंग को। ड्राई क्लीनिंग के अंदर हमारे पास कुछ ये टेक्निक हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग,
हम आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वो हम घरों में भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं, उर्दू में कहते हैं जिसे हम छलनी कहते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक होल्स बने होते हैं स्पेसिफिक साइजेस के। कुछ पार्टिकल्स जो हमारे काम के होते हैं वो उसमें पास हो जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल पास नहीं हो सकते। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं एस्पायरेटर्स एस्पायरेशन का प्रोसेस करने के लिए। इसमें हम इंडस्ट्रियल लेवल पर एस्पायरेटर्स हमारे पास मशीन्स होती हैं वो यूज़ करते हैं। एस्पायरेटर्स के ज़रिए क्या होता है कि हम अपने फूड प्रोडक्ट्स में डालते हैं और वहाँ पर जो एयर होती है वो इनोकुलेट करवाई जाती है हाई प्रेशर के साथ, जिससे जो हमारे पास कंटेमिनेंट्स होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर के साथ ब्लो कर जाते हैं, एस्पायरेशन हो जाती है और हमारे पास प्योर प्रोडक्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनोइंग की। विनोइंग आप लोगों ने देखा होगा घरों में और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हम लोग विनोइंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस है ये। इसमें हम ट्रेस यूज़ करते हैं स्टिक्स की बनी हुई, मोस्टली ट्रेस के अंदर हम क्या करते हैं, इसका जो आगे से माउथ होता है वो वाइड होता है और जो उसकी बैक होती है वो नैरो होती है। इसमें से हम जो अपना ग्रेन्स होते हैं वो डालते हैं और उसको हवा में थोड़ी देर के लिए ऊपर उछालते हैं, 10-12 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। जो हमारे पास कंटेमिनेंट्स होंगे, लाइटर पार्टिकल्स होंगे, वो एयर में ज़्यादा ऊपर जाएंगे और उनको हम फूंक के जरिए ब्लो करके रिमूव कर देंगे। और जो हमारे पास हैवी पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो हमारे काम के प्रोडक्ट है, जो सही ग्रेन्स हैं, वो वापस नीचे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लेवल पर फूड इंडस्ट्रीज के अंदर अब यूज़ करना शुरू कर दिए हैं कंबाइंड न्यूमेटिक एंड स्क्रीन सेपरेटर्स। ये वाले सेपरेटर जो मशीन्स हैं बहुत ही एडवांस मशीन्स हैं। इसके अंदर हमने दो जो टेक्निक्स हैं उनको कंबाइन कर दिए हैं। द फर्स्ट टेक्निक इज एस्पायरेशन। आप लोग अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे कि एक हमारे पास ये सेपरेटर मौजूद है। इसमें लेफ्ट साइड से हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट है उसको इनोकुलेट करवा रहे हैं और इनोकुलेट करवाते हुए नीचे एस्पायरेटर लगा हुआ है जिसके जरिए एयर आ रही है और एयर के जरिए जो हमारे प्रोडक्ट में लाइटर पार्टिकल्स हैं, बहुत लाइट इन वेटर और कंटेमिनेंट्स हैं, वो एयर फ्लो के साथ वहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन जो हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा वो आगे राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ से काम स्टार्ट होगा स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास दो स्क्रीन्स हैं। सबसे ऊपर वाली स्क्रीन जो है वो वाली हमारे पास हैवी पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स की है। हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो सही साइज की है वो नीचे की तरफ स्क्रीन से मूव कर जाएगी और जो उसमें बड़े पार्टिकल्स होंगे, कंटेमिनेंट्स होंगे, वो ऊपर वाली जो लेयर है उस पर ही रहेंगे, कन्वेयर बेल्ट से आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। अब आप बात करते हैं सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर में हमारी जो प्रोडक्ट नीचे आ चुकी है उसमें से भी कुछ लाइटर पार्टिकल्स इस तरह के होंगे जो एस्पायरेटर से रिमूव नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, नीचे एक और थर्ड सेकंड स्क्रीन होती है जिसमें लाइटर पार्टिकल्स मजीद नीचे स्क्रीन डाउन हो जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। मिडिल लेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी प्योर प्रोडक्ट या प्योर जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं वो बच जाते हैं, जिनको हम आगे मजीद फिर अपनी प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आगे देखिए, हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेटल डिटेक्टर्स। इसमें हम मेटल डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऐसी फूड प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर जो मेटल के पीसेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, चाहे आयरन का पीस हो या किसी भी कॉपर एल्यूमिनियम किसी भी चीज़ का पीस हो, तो वो बाद में हार्मफुल हो सकते हैं। उनको रिमूव करने के लिए हम मेटल डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं। आखिर में हमारे पास आता है एब्रेशन एंड ब्रशिंग। एब्रेशन एंड ब्रशिंग में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो एक हमारे पास जो अंडरग्राउंड क्रॉप्स ग्रो करती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अनियंस हैं या फिर हमारे पास कैरेट्स हैं, उनके ऊपर सॉइल की जो कंटेमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इंडस्ट्रियल लेवल पर ब्रशिंग के जरिए, एब्रेशन के जरिए उसको ऐसे रब करके वहाँ से रिमूव कर देते हैं सॉइल को, फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजते हैं। हमारा ड्राई क्लीनिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं वेट क्लीनिंग की तरफ। वेट क्लीनिंग के लिए आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी वेट का वर्ड यूज होगा तो वहां पर आप लोग समझ जाएंगे कि यहां पर वाटर का यूज हुआ है। वेट क्लीनिंग में हम वाटर को यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें हम टेक्निक देखते हैं सोकिंग प्रोसेस। इसमें हम जो अपने फूड मटेरियल होता है उसको हम पानी के अंदर, वाटर के अंदर सोक कर देते हैं, भिगो के रख देते हैं फॉर अ फ्यू आवर्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स, जिससे क्या होता है उसके ऊपर जो कंटेमिनेंट्स होते हैं या सॉइल लगी होती है वो उसके ऊपर से उसकी जो पकड़ होती है वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको बाद में वो पानी में ऐड हो जाता है और हम अपने जो साफ क्लीन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। हमने जो फूड अपनी वाटर के अंदर सोक करके रखी हुई है, अगर हम उस वाटर को ट्रीट करवा दें
अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए, तो उससे क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स उस पर अटैच हुए कंटेमिनेंट्स अटैच होंगे उनकी एजिटेशन हो जाएगी और वो जो होंगे वो लूज हो जाएंगे वहां से प्रोडक्ट की सरफेस के ऊपर से। जब वो लूज हो जाएंगे तो इजीली जो प्रोडक्ट है हमारी क्लीन हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम यूज करते हैं स्प्रेइंग। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ स्प्रे करने से उनकी जो आउटर सरफेस साफ हो जाती है उनको हम वैसे साफ कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एप्पल हो गया या इस तरह के और प्रोडक्ट्स हैं जिसको ज्यादा कंटेमिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट हम यूज करते हैं फ्लोटेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये भी ग्रेन्स के लिए यूज होता है। इनको हम पानी में जब सोक करके रख देते हैं तो जो हमारे पास लाइटर कंटेमिनेंट्स होते हैं वो पानी की अपर लेयर पर मूव करते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो हमारे पास हैवी कंटेमिनेंट्स होते हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। दरमियान में जो लेयर होती है वो हमारे पास प्योर प्रोडक्ट की होती है, उसको हम बाद में वहां से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है कि हम इन लाजमी नहीं कि हम एक टेक्निक यूज करें फिर दूसरी करें या एक प्रोडक्ट पर एक ही टेक्निक यूज करें, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। अब जब हमने वाटर उस प्रोडक्ट में ऐड कर दिया है तो जरूरी है कि बिफोर प्रोसेसिंग उसकी डीवॉटरिंग की जाए, यानी कि उसमें से वाटर को रिमूव किया जाए। इसके लिए हम वाइब्रेटिंग स्क्रीन यूज करते हैं कि जब वाइब्रेट होगी स्क्रीन उसमें से जो वाटर होगा वो जल्दी रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा हम डिवॉटरिंग रील्स यूज करते हैं, रील्स रिवॉल्व होंगी तो उसके रोटेट होंगी, उससे इसमें जो पानी होता है वाटर होता है वो रिमूव हो सकता है। इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं या नॉर्मली जो सन ड्राइंग है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। गाइस क्लीनिंग हमारा जो है वो क्लोज करते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि एक प्रिपरेटरी ऑपरेशन है, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोग डिफरेंस समझ लें सॉर्टिंग में और ग्रेडिंग में। व्हाट इज सॉर्टिंग? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट, साइज, शेप एंड कलर। कि जब आपने फूड कमोडिटीज को सेपरेट करना होगा एक दूसरे से किसकी बेस पर, वेट, साइज, शेप और कलर की बेस पर, उसे हम सॉर्टिंग कहेंगे। जब हम बात करते हैं ग्रेडिंग की तो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कि हमने जब फूड मटेरियल को डिफरेंशिएट करना है उसको हमने सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कि इसकी क्वालिटी अच्छी है इसकी नहीं अच्छी, उसको हम कहेंगे ग्रेडिंग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेट सॉर्टिंग की। जब हम बात करते हैं वेट सॉर्टिंग की तो यहाँ पर हम वेट की बेस के ऊपर जब डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट्स को तो हमारे पास एग्जांपल आती है एक्स की। एक्स को वेट की बेस के ऊपर कि इसका कितना वेट है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सा एग है, किस एनिमल का और किस बर्ड का एग है जिनको हमने ये यूज करना है। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास आता है साइज सॉर्टिंग। साइज की बेस के ऊपर हम किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साइज सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास जो सॉर्टर्स यूज होते हैं वो है हमारे पास साइज सॉर्टर्स, स्क्रीन्स, सीव्स और रोलर सॉर्टर्स। जो हमारे पास रोलर सॉर्टर्स होते हैं ये स्पेसिफिकली सॉर्ट आउट करते हैं किनको, सिट्रस फ्रूट्स को, जैसे कि हमारे पास केनू या इसी तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं साइज सॉर्टिंग की तो हमारे पास जो साइज सॉर्टर्स और स्क्रीन्स के जरिए हम पोटैटोस को हम सेपरेट कर सकते हैं, जो वीट ग्रेन्स होते हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शेप सॉर्टिंग। जब हम बात करते हैं शेप सॉर्टिंग की तो आप लोग देख सकते हैं कि शेप सॉर्टिंग के अंदर हम लोग शेप सॉर्टर्स यूज करते हैं जो शेप को शेप की बेस के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है ग्रेन्स को। अब आप देखें यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, मैं कोट करता हूँ ग्रेन्स की, कि ग्रेन्स जो होते हैं हमारे पास गंदुम हो गए, चावल हो गए, इनके साथ कुछ वीड्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, वो भी आ जाती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। अब उन जड़ी बूटियों की जो वो होती है वेट होता है उनका और जो उनका साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है जो हमारे पास ग्रेन्स हैं, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? उनको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर हम शेप सॉर्टर्स यूज करते हैं ताकि शेप डिफरेंट होती है तो सेपरेट हो सके। एंड द लास्ट कलर सॉर्टिंग। कलर सॉर्टिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है, उसके ऊपर मैनुअली हम लेबर खड़ी कर देते हैं कि आपने जिस प्रोडक्ट का, जिस फूड कमोडिटी का कलर खराब होगा उसको आपने वहां से पिक करके बाहर निकाल देना है। ये बहुत ही एक तो आप कह लें कि हमारे पास हैक्टिक काम है कि हमें लेबर ज्यादा चाहिए होती है। इसी तरह से हम एक और मेथड यूज करते हैं कलर सॉर्टिंग के लिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक कलर सॉर्टर्स। इसमें
इलेक्ट्रॉनिक हम जो मशीनरी है उसको यूज़ करते हैं, वो उसमें कलर स्कैनर्स लगे होते हैं, हम उसमें से पहले इनपुट उसमें कर देते हैं कि हम जो प्रोडक्ट चला रहे हैं इसका कलर इस तरह का होना चाहिए। जब उस कलर की प्रोडक्ट गुजरती रहती है, फूड कमोडिटीज गुजरती रहती है कन्वेयर बेल्ट पर, वो स्कैन करता जाता है कंप्यूटर और देखता जाता है कि ये ओके है। जैसे ही ऐसी फूड कमोडिटी वहां से पास आउट होती है, गुजरती है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से जिसका कलर चेंज हो, तो फौरन उसके जो फोटो सेल्स होते हैं उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको एक तरफ धकेल दिया जाता है ऑटोमेटिकली। ओके गाइस, हमने पहले तीन प्रिपरेटरी ऑपरेशन जो थे उनको स्टडी कर लिया था। अब हम मूव करते हैं फोर्थ की तरफ, दैट इज पीलिंग, शेलिंग एंड स्किनिंग। आप सबको पता है कि जो ये जो पीलिंग, शेलिंग और स्किनिंग, ये वो प्रोसेस हैं जिनके अंदर हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर से पील को रिमूव करते हैं, या उनके ऊपर से अगर हार्ड कवरिंग है शेल तो उसको रिमूव किया जाता है, या अगर हमारे पास एनिमल्स हैं पोल्ट्री है तो उसके ऊपर से स्किन को रिमूव किया जाता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पीलिंग को। तो पीलिंग करने के मतलब पील को रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है हैंड पीलिंग, हम हाथ के जरिए जो छिलका होता है, पील होता है, उसको रिमूव कर सकते हैं। या फिर नाइफ पीलिंग, हमारे घरों में हाउस होल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है नाइफ पीलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, नाइफ को हमने मदर्स को देखा होगा अपने नॉर्मली कि हम जो नाइफ होती है उसके जरिए पील रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीलिंग बाय हीट। हीट के जरिए हम पीलों किस तरह रिमूव कर सकते हैं कि पहले जो हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होंगे उनको हम बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए, या फिर उनका जिनकी इनका इंट्रैक्शन करवाएंगे हम हॉट स्टीम के साथ। जैसे ही बॉइलिंग वाटर उन पर पड़ेगा या फिर हॉट स्टीम उनकी सरफेस के ऊपर पड़ेगी, जो पील होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और लूज हो जाएगा, तो उसको रिमूव करना बाद में हाथ से या ब्रशिंग के जरिए आसान हो जाता है। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं फ्लेम पीलर्स। फ्लेम पीलर्स में क्या होता है कि हम जो होते हैं वो डायरेक्ट फ्लेम होता है हमारे पास, या हॉट गैसेस होती हैं जो फ्रूट या वेजिटेबल की सरफेस के ऊपर इंटरेक्ट करती हैं, और मोस्टली हम करवाते हैं अनियन गार्लिक के ऊपर, क्योंकि इनकी इनका जो पील होता है वो इस तरह से होता है कि इसको हाथ से रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मैकेनिकल पीलर्स। मैकेनिकल पीलर्स जो है ये बहुत ही एडवांस फॉर्म है और इंडस्ट्रीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। मैकेनिकल पीलर्स में आप लोगों को मैं छोटा सा इसका स्ट्रक्चर समझा दूँ कि इस तरह के सिलेंडर्स होते हैं हमारे पास, लॉन्ग सिलेंडर्स होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इन सिलेंडर्स के जो बॉटम होता है उसके अंदर रोटेटिंग डिस्क लगी होती है जो लगातार रोटेट करती रहती है, और जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऊपर से इनके अंदर डाल देते हैं, रोटेटिंग डिस्क रिमूव करती है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो लगातार रोटेट होते रहते हैं। अब उनके रोटेट होने के साथ साथ क्या होता है कि वो जो इसकी वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं कंटेनर की, सिलेंडर की, उसके साथ वो बम्बार्ड करते हैं, टकराते हैं। उन इनर वॉल्स के अंदर एब्रेशंस लगी होती हैं। एब्रेशंस मतलब कि इस तरह के अंदर कांटों की तरह के अंदर उनकी इनर वॉल्स होती हैं। जब फ्रूट्स जो रोटेट करते हुए इन एब्रेशंस के साथ लगते हैं तो उसके ऊपर से जो पील होता है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है तेजी के साथ। जस्ट लाइक आप सोच लें वॉशिंग मशीन में जो उसका फंक्शन होता है कि नीचे उसके स्पिनर लगा होता है और उसी तरह से ये काम करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं लाइव पीलिंग। लाइव पीलिंग जो है ये सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस जो पीलिंग का मेथड है वो है। लाइव पीलिंग में क्या होता है, हम लाइव जो एक केमिकल होता है उसको यूज़ करते हैं। उस केमिकल में हमारे पास होता है 1-2% NaOH सॉल्यूशन होता है, और जिसको हम इंट्रैक्ट करवाते हैं किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के साथ तकरीबन 30 सेकंड्स या फिर 2 मिनट्स के लिए, ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स टू 2 मिनट्स तक उसको हम इंट्रैक्ट करवाते हैं लाइव के साथ। तो इससे होता क्या है, जो उसका पील होता है वो केमिकल के साथ मिलकर डिजोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। डिजोल्व होने के बाद हमारे पास जो इनर फ्रूट हमें हासिल हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मेथड्स और भी हैं पीलिंग के, जिनको हम आगे जाकर फर्दर फिर उसको स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल उनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्रीज पीलिंग, फ्रीजिंग के जरिए, एसिड पीलिंग, वैक्यूम पीलिंग, कॉस्टिक पीलिंग, कैल्शियम क्लोराइड पीलिंग और एमोनियम सॉल्ट पीलिंग। इन सब में हमने जो हमारे फ्रूट या वेजिटेबल है उनको किसी ना किसी चीज़ के साथ इंट्रैक्ट करवाया ताकि उसका पील जो है वो सॉफ्ट हो जाए, या फिर उसको सॉफ्ट हो जाए या फिर लूज हो जाए, ताकि उसको रिमूव करने में आसानी रहे। इसी के साथ हम पीलिंग के बाद मूव करते हैं शेलिंग की तरफ। शेलिंग हम मोस्टली उन फ्रूट्स की करते हैं जिनकी जो हार्ड कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो बहुत ही सख्त होती है। फॉर एग्जांपल कोकोनट्स, ऑलमंड्स, वॉलनट्स।
इनकी शेलिंग की जाती है। इसी तरीके से हम लोग स्किनिंग करते हैं उन एनिमल्स की जो हमने स्लॉटर करना होता है, स्लॉटरिंग के बाद उनकी हम स्किन उतार देते हैं, जैसे कि कैटल, गोट, शीप। और इसके बाद अगर हमारे पास पोल्ट्री है, जैसे हमारे पास चिकन है, तो उसकी हम स्लॉटरिंग करने के बाद उसकी स्किनिंग करेंगे, और स्किनिंग के साथ साथ उसकी पहले डीफेदरिंग भी करेंगे, उसके जो फेदर्स होंगे उनको भी रिमूव किया जाएगा। इसी तरीके से जो फिश होती हैं उनके हम स्केल्स रिमूव करते हैं बिफोर कंजप्शन या बिफोर कुकिंग। तो यहां तक हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज रिमूवल ऑफ इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप लोगों को पता होगा कि हम जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं उनके अंदर जो कुछ एडिबल पार्ट्स होते हैं और कुछ नॉन एडिबल पार्ट्स होते हैं या इनएडिबल पार्ट्स होते हैं। इनएडिबल पार्ट्स को हम पहले पहले कट करके, उसकी स्लाइसिंग करके रिमूव कर देते हैं, वो हमारा वेस्ट होता है, उसको हम कंज्यूम नहीं करते। अब डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स की जो आप देखें उनकी जो जिस तरह की शेप होती है, तो उन किसी के सीड्स ऊपर की तरफ होते हैं, किसी के अंदर एक ही बड़ा सीड होता है फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि मैंगो, या फिर किसी के अंदर छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा सीड्स होते हैं जैसे पपाया। तो उन सब को सीड्स को रिमूव करने के लिए और जो उसके इनएडिबल पार्ट्स और होते हैं उनको रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि हम किस, हमारे पास पहली एग्जांपल आती है पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल के अंदर जो उसका सेंट्रल कोर होता है पाइनएप्पल का, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये यह हमारे पास अगर फ्रूट है, इसका जो सेंट्रल कोर होता है, कोर होता है ये वाला, इसको रिमूव करना होता है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो सीड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं कोरिंग। इसी तरीके से क्योंकि सेंट्रल कोर कहते हैं, इसी तरीके से हम नेक्स्ट सिमिलरली देखते हैं कि जो हमारे पास डेट्स या प्लम्स होते हैं इनको हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, पिटिंग यूज करते हैं, क्योंकि पिटिंग के जरिए जो इनके इनर मटेरियल होता है डेट्स का वो रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास टोमेटोज होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं, जो जब हम उसको हम हार्वेस्ट करते हैं तो उनकी स्टेम्स भी साथ ही आ जाती हैं। तो ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं इनकी स्टेम को अंदर से रिमूव किया जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेमिंग। तो स्टेमिंग जो हम करते हैं इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम माइल्ड हीट ट्रीटमेंट दें, मतलब थोड़ा सा उसको हीट करें, उसकी ट्रीटमेंट दें हल्की सी, और साथ में उसके बाद उसको हाथ में, हाथ के जरिए या फिर हमारे पास वाइब्रेटर स्क्रीन्स होती हैं, इस तरह की स्क्रीन्स बनी होती हैं मैश लाइक आप यूं करके, उसके अंदर उसको हम रख कर उसको हम वाइब्रेट करवाएं। जब उसको हम वाइब्रेट करवाएंगे तेजी से तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये जो स्टेम्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो हमारे पास फूड एडिबल पोर्शन होगा वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रिमिंग की तरफ। तो ट्रिमिंग हम मोस्टली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में उन पार्ट्स की करते हैं कि जिनमें जिनके अंदर कोई ग्रीन पोर्शन हो, अंडर आई पोर्शन हो, या डैमेज डिकेइंग पार्ट्स जो होते हैं फ्रूट्स के। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट है, उसका एक जो पार्ट है वो डिके हो चुका है, तो इसको बिफोर कंजप्शन मोस्टली इंडस्ट्रीज तो ऐसा करती हैं कि वो ऐसे फ्रूट्स को कंसीडर ही नहीं करती, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। मगर जो इंडस्ट्रीज इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, इंडस्ट्रीज ना भी करें, हम हाउस होल्ड की बात कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, कट कर देते हैं, पोर्शन वेस्ट होता है, बाकी इस पोर्शन को हम कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिमिंग। अब हम देखते हैं अपने सिक्स्थ प्रिपरेटरी ऑपरेशन को जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, दैट इज साइज रिडक्शन। फ्रेंड्स, आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी हमने कोई फ्रूट या वेजिटेबल कंज्यूम करना होता है या उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका साइज छोटा कर दें। साइज छोटा करने के डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है कंज्यूमर रिक्वायरमेंट या कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। जो कंज्यूमर होता है, जो खाने वाला होता है, जिसने कंज्यूम करनी होती है फूड, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो फूड छोटी हो साइज में ताकि वो इजीली ईट कर सके, ईटेबल हो उसके लिए। जैसे हम घरों में एप्पल को कट करते हैं स्लाइसेस के अंदर, डाइसिंग करते हैं, उसकी स्लाइसिंग कर लेते हैं, फिर उसको कंज्यूम करते हैं इजी टू ईट। तो इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं, जब वो कैनिंग करती हैं, कैंस बनाती हैं या पिकलिंग करती हैं, या फिर किसी तरह से भी वो कुछ और फूड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करती हैं, तो पहले साइज रिडक्शन कर लेती हैं, साइज को छोटा कर लेती हैं ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो इसको ईजिली कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। हम साइज रिड्यूस करने की मदद से जो हमारे खाने वाले हिस्से हैं, जो हमारे डिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, ये पॉइंट जो रिलेट कर रहा है इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रिमूवल के साथ, जो इनएडिबल होंगे उनको हम रिमूव करके साइड पर कर देंगे साइज छोटा करके, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एडिबल पोर्शन होगा सिर्फ हम उसको निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैंगो पल्प की। जब हमने मैंगो जूस बनाना होता है या इस तरह मैंगो शेक आप कह लें, तो हमें पल्प की ज़रूरत होती है, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसका साइज रिडक्शन भी करते हैं और जो उसका इनएडिबल पोर्शन होता है, मतलब उसके पील होता है, उसको रिमूव करते हैं, अंदर से जो उसका सीड होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है,
सिर्फ जो पल्प होता है उसको कंज्यूम किया जाता है, और पल्प को भी इस तरीके से कंज्यूम करते हैं कि उसकी पहले हम स्लाइसिंग करते, छोटे छोटे उसके स्लाइसिस बना लेते हैं, उसके बाद उसका पल्प होता है, जिस तरह से जिसको आपने जूस बनाना है, जिस तरह से जिसको कंज्यूम करना है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, कि आपने डिफरेंट जो मटेरियल्स है उसको अगर आपने मिक्स करना है आपस में, जैसे कि आपके पास दो या तीन फ्रूट्स हैं, आपने उनको मिक्स करना है आपस में, उनका मिक्सचर बनाना है, या आपके पास दो तीन पाउडर्स हैं उनको आपस में मिक्स करना है, या पहले पाउडर फॉर्म में लेकर आना है, तो इस तरह के डिफरेंट हमारे एग्जांपल्स हैं। जब आपने ऐसी चीज़ें करनी है तो ज़रूरी है कि पहले आप उनकी छोटे साइज़ बना लो, उनको उनके रिडक्शन कर लो साइज़ की, देन उसको आप मिक्सिंग करो तो ईजिली मिक्स हो जाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट टू फैसिलिटेट फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, की सारे पॉइंट्स जो हैं साइज रिडक्शन में, ये हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ के अंदर, फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के अंदर, कि फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन तब सही हो सकती है अगर ये सारे पॉइंट्स हम फॉलो कर लें। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रिपरेटरी ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम फर्दर आगे लेकर चलते हैं, और हम बात कर रहे थे साइज रिडक्शन की। साइज रिडक्शन में जब भी हमने कोई भी ट्रीटमेंट लगानी है साइज रिड्यूस करने के लिए, तो उसमें हमने कुछ बातों का ख्याल करना है कि किस तरह की ट्रीटमेंट हमने देनी है साइज रिडक्शन के लिए। उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको हमने फोकस में रखना है। दीज आर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमने जो रॉ मटेरियल कौन सा हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको साइज रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट देंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस की, कि कंज्यूमर जो है हमारा वो किस तरह से इस फूड को खाना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, तो उसको हम साइज रिडक्शन वैसे ही देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस डिमांड, के जो हमारा प्रोसेसिंग का तरीका है उसकी डिमांड क्या है, कि हम जो साइज को रिड्यूस करना चाह रहे हैं ये प्रोसेसिंग के अंदर क्या वैसा हो भी जाएगा या फिर नहीं होगा, सूटेबल उसके लिए है या नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने फोकस में रखते हुए अपनी जो ट्रीटमेंट का डिज़ाइन है उसको स्टडी करना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैनिंग, ब्लांचिंग, डिहाइड्रेशन और फ्रीजिंग, इन टेक्निक्स, इन ऑपरेशन से पहले हम लोग साइज लाजमी रिड्यूस करते हैं। साइज रिड्यूस करने में अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैंने पहले भी थोड़ा सा आप लोगों को इसका इंट्रो दिया था कुछ देर पहले, उसी को फर्दर हम आगे मूव करते हैं। तो देखते हैं कि स्लाइसिंग का जो हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे जो स्लाइस होते हैं वो बना लिए जाते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हम कैरेट्स में या मैंगोज में ये काम करते हैं। डाइसिंग करते हैं हम, छोटे छोटे क्यूब शेप डाइस जो होते हैं वो बना लिए जाते हैं क्यूब शेप, उसमें वो हम पाइनएप्पल्स या पराठों के अंदर करते हैं। इसी तरीके से हम श्रेडिंग का प्रोसेस भी करते हैं। श्रेडिंग का प्रोसेस इस तरह का होता है कि हम जो फ्रूट्स होते हैं उनके जो इनएडिबल पार्ट्स होते हैं उसके टॉप से और उसकी बॉटम से उसको कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जैसे हम अनियन में करते हैं और गार्लिक कैबिज में करते हैं। अनियन में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग उसके जो ऊपर उसके जो थोड़े लीव्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जो इनर पार्ट उसको रिमूव कर देते हैं, तो दैट इज श्रेडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हमने फ्रूट जूसेस बनाने होते हैं तो उसमें हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को या मोस्टली फ्रूट्स को ही हम कंज्यूम करते हुए उसकी क्रशिंग करते हैं या फिर स्क्वीजिंग करते हैं। ये हमारे पास इसमें जो क्रशर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसके अंदर हम फ्रूट्स को डालते हैं उसको वो क्रश कर देते हैं, उसमें से जूस होता है, पल्प होता है, वो बाहर निकल आता है। और आखिरी पॉइंट है पल्पिंग का, कि मैंगो गुआवा के जब हमने जूस बनाने होते हैं, शेक बनाने होते हैं, तो इसमें हम उसका पल्प यूज करते हैं, तो इसके लिए पल्पिंग की टेक्निक भी होती है। इन सब टेक्निक्स के बाद, मतलब रिड्यूस करने के बाद, हम उसको फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक टेक्निक आती है वो साइज रिडक्शन के अंदर, वो होती है ग्रेन मिलिंग की, कि हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वीट है, तो उसकी हम साइज रिडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी भी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और जब आप कल को वाइवा के लिए जाएंगे या फिर इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दैट पॉइंट इज होल वीट फ्लोर एंड वाइट फ्लोर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है, होल व्हीट फ्लोर होता है उसके अंदर जो ब्रैन होता है उसको रिमूव नहीं किया गया होता। मैं यहाँ पर छोटा सा आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक सीड है, इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये होता है इसका ब्रैन, इसके अंदर इसका एंडोस्पर्म पोर्शन होता है और सबसे अंदर इसका जर्म पोर्शन होता है। अगर तो हम वीट को या किसी भी ग्रेन को, हम एग्जांपल यहाँ पर वीट की ले रहे हैं तो उसी को कोट करेंगे, अगर हम वीट के ऊपर से ये जो ब्रैन का पोर्शन है ये वाला हम उसको आउटर कवरिंग जो उसकी रिमूव कर देते हैं
तो हमारे पास जो फ्लोर आता है दैट इज वाइट वाइट फ्लोर, क्योंकि उसके अंदर जो वो क्या कहते हैं इसको ब्रांड नहीं होता। और जो हम मार्केट से फ्लोर लेकर आते हैं मोस्टली वो वाइट फ्लोर ही होता है, हम उर्दू में कहते हैं सफ़ेद आटा। इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर से ब्रांड का जो पोर्शन है वो रिमूव नहीं करते तो वो क्या कहलाता है, ब्राउन फ्लोर। और उसे हम कहते हैं होल व्हीट फ्लोर, क्योंकि उसमें ब्रांड, जर्म, एंडोस्पर्म तीनों पार्ट्स उसमें इंक्लूडेड हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास इसका एक और पार्ट निकलता है सेमोलिना, जिसे हम उर्दू में सूजी भी कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं मीट की। मीट में जब हमने मीट की कैनिंग करनी होगी या मीट को हमने कुक करना होगा तो उससे पहले उसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग के अलावा उसकी हम मिंसिंग करेंगे। मिंसिंग वो टेक्निक है जिसमें हम छोटे छोटे के उसके पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं, जिसे उर्दू में हम कहते हैं कीमा बनाना। इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो ये होता है कि मिंसिंग के थ्रू जब एक मीट का बड़ा पार्ट है इसका सरफेस एरिया इतना ही है, कम है, जब इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इसकी मिंसिंग कर देंगे, कीमा बना देंगे, तो हर पार्ट के ऊपर सरफेस एरिया आ जाएगा, इसलिए इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेटरी ऑपरेशन दैट इज मिक्सिंग। मिक्सिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आते हैं कि हमने सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करना है, सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करना है, लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करना है, या फिर गैस और लिक्विड को मिक्स करना है। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं पाउडर्ड सॉलिड्स, मतलब कि जो हम पाउडर्ड स्किम मिल्क बनाते हैं, शुगर हमारे पास होती है, कोकोआ पाउडर होता है हमारे पास, ये सारी चीज़ें मिक्सिंग के अंदर आती हैं। और ये सब जो पाउडर्स होते हैं मिक्सिंग के थ्रू हम इनसे क्या चीज़ें बना सकते हैं, बेबी फूड्स, बेवरेजेस, केक मिक्सेस एक्सेट्रा। इसी तरह से हमारे लिए हमारे पास जो जो भी हमने मिक्सचर बनाना है एक चीज़ हमने फोकस में रखनी है, दैट इज कि जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमने मिक्स करना है आपस में, उनका साइज, शेप और डेंसिटी सिमिलर होना चाहिए, क्लियर। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं लिक्विड्स की तरफ। तो हमें जहां पर मिसिबल लिक्विड्स मिलेंगे दो या उससे ज्यादा, तो उनका आपस में डिजोल्व होना, मिक्स होना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो आपस में सही तरीके से डिजोल्व नहीं हो सकते, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, इमल्सीफायर। इमल्सीफायर दो मिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करने के लिए यूज होता है और उनकी एक अच्छी इमल्शन बना देता है। इमल्शन के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब यहां पर हम एग्जांपल देते हैं होमोजेनाइज्ड मिल्क की, बटर की, मार्जरीन की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिरप्स एंड शुगर बेस्ड कन्फेक्शनरी। जितने भी हमारे पास जो मीठे आइटम्स होते हैं, स्वीट्स होती हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं वो, और साथ में सिरप्स, इनमें हम देखते हैं कि हम जब वाटर को, इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैटेगरी को, दैट इज वाटर प्लस सॉल्युबल सॉलिड्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम वाटर को सॉल्युबल सॉलिड्स के साथ मिक्स करते हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स हमारे पास होते हैं शुगर और सॉल्ट, तो हमारे पास बनता है होमोजेनस मिक्सचर और ये इजीली सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, हमारा होमोजेनस मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, कि जब हम वाटर को मिक्स करते हैं इन सॉल्युबल सॉलिड्स के साथ, इन सॉल्युबल सॉलिड्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टार्च होती है, व्हीट फ्लोर होता है, इनको हम कहते हैं प्लास्टिक सॉलिड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से ये पेपर में आ जाता होता है, व्हाट आर प्लास्टिक सॉलिड्स। अब प्लास्टिक सॉलिड्स को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो सही तरीके से मिक्स नहीं होते। इनको मिक्स करने के लिए प्रोसेस जो नीडिंग का आप लोगों को पता होगा, नीडिंग इज वेरी मच एसेंशियल। नीडिंग का आप लोगों देखे हमारे घरों में जो लेडीज होती हैं, से उर्दू में सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आटा गूंदती हैं, जो आटा गूंदा जाता है उसको नीड किया जाता है, दैट इज नीडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस की, जिसमें हम CO2 को ऐड करवाते हैं शुगर सॉल्यूशन और वाटर के अंदर, इनके कॉम्बिनेशन से फिर हमारे पास कार्बोनेटेड बेवरेज बन जाता है और ये सब कुछ होता है प्रेशर के अंडर। प्रेशर के अलावा ये काम पॉसिबल उस तरह से नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमने ऑमलेट्स बनाने हैं या केक्स बनाने हैं तो उसमें हम यूज करते हैं व्हिपिंग का प्रोसेस, जिसमें हम एयर जो है उसको इनोकुलेट करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट करवाते हैं एग्स के अंदर, तो ये भी उसमें एक बड़ा बेनिफिशियल प्रोसेस होता है। सेकंड लास्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। आप सब ने 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बार बार ये प्रोसेस पढ़ते आ रहे होंगे और बीएस में भी और एमफिल में भी पढ़ेंगे इसको मजीद, कि जब हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट।
When hydrogen is added in unsaturated fatty acids in the presence of nickel metal or nickel catalyst, तो हमारे पास hydrogenated vegetable oil बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो unsaturated होते हैं उसमें double bonds होते हैं। जब उनमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और सिंगल बॉन्ड रह जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। और ये वेजिटेबल ऑयल जो हम नॉर्मली अपने घरों में यूज करते हैं। इन द लास्ट कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के अंदर हम खुद मतलब अपने तौर पर ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमोसफेयर होती है उसको मेंटेन रखते हैं ताकि जो हमारे पास फ्रूट वेजिटेबल्स हैं वो सिक्योर रह सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे थे प्रिपरेटरी ऑपरेशंस को, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं अपने 8th पॉइंट की, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिपरेटरी ऑपरेशन होता है हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पर भी और घरों के अंदर भी। अगर इसमें थोड़ी सी हम डिटेल देखें तो हमें पता लगता है कि अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पर हम वाटर को लेते हैं, जब भी हमने वाटर को प्रोसेस करना होगा इंडस्ट्रीज के अंदर बेवरेज मेकिंग के लिए या जूस मेकिंग के लिए, जूसेस में ऐड करना होगा व्हाटएवर, तो सब चीज़ों में हम क्या करेंगे, वाटर को हम ट्रीट करवाएंगे डिफरेंट केमिकल्स के साथ। इस ट्रीटमेंट से क्या होगा, वाटर के अंदर जितने भी कंटेमिनेंट्स होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी, वो सेडिमेंटेशन की फॉर्म के अंदर या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और उनको बाद में हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। आप सबको पता होगा फिल्ट्रेशन का सिंपल मेथड है, हम मेश लाइक एक नेट लेते हैं या क्लॉथ लेते हैं, या इंडस्ट्रियल लेवल पर हमारे पास सीव की तरह की चीज़ होती है, उसके अंदर से हम अपना जो लिक्विड होता है उसको प्योर करते हैं। पोर करने के बाद नीचे से हमारे पास जो प्योर लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। फिल्ट्रेशन करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम वाटर के अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी सेडिमेंटेशन करवा लें। तो वो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि वाटर को पहले केमिकल्स के साथ ट्रीट करवा कर उसकी हम सेडिमेंटेशन करवा लेंगे, उसकी सेडिमेंट्स बन जाएंगे, लेयर्स बन जाएंगी इम्प्योरिटीज़ की निचली साइड पर, ऊपर सारा वाटर होगा, उसके बाद उसकी हम फिल्ट्रेशन करवा लेंगे तो हमारे लिए कंटेमिनेंट्स को, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैनिंग की तरफ। अगर कैनिंग में हमने कैनिंग की टेक्निक हमने यूज़ करनी है और उसमें हमने शुगर सिरप बनाना है या फिर हमने ब्राइन बनाना है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ इम्पॉर्टेंट, शुगर सिरप जो होता है वो होता है शुगर प्लस वाटर, और जो ब्राइन होता है वो होता है सॉल्ट प्लस वाटर। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो पेपर्स के अंदर ये दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है। कैनिंग के अंदर जब भी हम शुगर सिरप बनाएंगे या ब्राइन बनाएंगे तो उसके बाद इम्प्योरिटीज़ को लाजमी फिल्टर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट जूसेस की। सिमिलरली जैसे हमने पहले दो मेथड्स में पढ़ा, इसी तरीके से हम फ्रूट जूसेस को भी फिल्टर करेंगे और उसके अंदर से जो कोर्स पार्टिकल्स होंगे, स्किन होगी या सीड्स होंगे, मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी और कंटेमिनेंट्स होंगे उनको फिल्टर करके सेपरेट कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री होम लेवल पर। होम लेवल पर हम क्या करते हैं कि सिंपल फिल्ट्रेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल, वो हमारे पास चीज़ क्लॉथ मतलब मसलिन क्लॉथ जो होता है, मैश लाइक एक हमारे पास जो क्लॉथ होता है, कपड़े का टुकड़ा होता है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर जो होल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और इम्प्योरिटीज उससे रुक सकती हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर हम जो फिल्टर्स यूज़ करते हैं वो पोरस कार्बन के बने होते हैं या पोर्सिलिन के बने होते हैं, परफोरेटेड मेटल पीसेस के बने होते हैं, रिजिड वायर मेशेस होती हैं और फ्यूज एल्यूमिनियम होते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपका एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कौन कौन से जो फिल्टर्स हैं वो यूज़। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास कुछ और फिल्टर्स भी आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिल्क, वूल, कॉटन, जूट, इनको भी हम एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज़ अ गुड फिल्टर, गुड फिल्टर क्या होता है। तो ये चीज़ माइंड में लाजमी रखनी है कि गुड फिल्टर वो होता है कि जो मिनिमम अमाउंट जो है वो पास होने दे अपने अंदर से और मैक्सिमम जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ऊपर ही रोक ले, दैट इज़ कॉल्ड अ गुड फिल्टर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो फिल्टर के होल्स होते हैं अगर वो ब्लॉक हो गए हैं, जैसे कि अब यहाँ पर देख लें, यह हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल एक फिल्टर है हमारे पास, हमने इसमें इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यूज़ कर लिया है, तो इसके जो होल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं, तो हमें इसमें प्रॉब्लम होगी फिर फिल्ट्रेशन करने में। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए फिल्टर एड्स यूज़ करते हैं।
दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिल्टर एड्स जो होते हैं हमारे पास, वो फैसिलिटेट करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस को ताकि वो इजीली हो जाए. डिफरेंट टाइप्स के हम फिल्टर एड्स यूज कर सकते हैं, जिसमें इजनगर आता है, एक्टिवेटेड चारकोल आता है, डायटोमेशियस अर्थ आता है. इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, दैट इज द 9th पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक. एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम्स के जरिए जो फूड प्रोडक्ट है, जो फूड कॉमोडिटीज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी डिस्कलरेशन हो जाती है, उनकी ब्राउनिंग हो जाती है. जब उनकी डिस्कलरेशन हो जाएगी, उनकी ब्राउनिंग हो जाएगी, तो वो कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करेगा. इसके अलावा वो जो है उसमें कुछ ना कुछ इसमें डिटेरियरेशन हो जाएगी. तो इस होती क्यों है ये, इसका जो मेथड समझने वाला है, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी जो फूड या वेजिटेबल के जो एंजाइम्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कैटलाइज कर देते हैं ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन को. किन की? पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस की. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस होती हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस जो होती हैं, उनकी ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन कर देते हैं. मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है और उनकी पॉलीमराइज हो जाते हैं, लार्जर कंपाउंड्स बना लेते हैं. और ये कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं. इसकी वजह से क्या होता है? फिर ब्राउनिंग हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है. पॉलीफिनोलिक, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में चीज बैठ जाए. एंजाइम्स जो होते हैं वो तेज कर देते हैं, कैटलाइज कर देते हैं किसको? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस पड़ी होती हैं, उनकी ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन हो जाती है और एज अ रिजल्ट वो क्या बन जाते हैं, एज अ रिजल्ट वो उसमें ब्राउनिंग कॉज हो जाती है, मतलब कि उसमें डिस्कलरेशन हो जाती है. अब इसको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के हमारे पास मोस्टली दो मेथड्स होते हैं. नंबर वन, ब्लांचिंग. नंबर टू, केमिकल्स. पहले हम देखते हैं कि ब्लांचिंग के थ्रू हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. यहाँ मैं आपको बता दूँ, पहले मैं लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो ब्लांचिंग है उसको हम स्कैल्डिंग भी कहते हैं. ब्लांचिंग, वो डेफिनेशन की बात की जाए, ब्लांचिंग ऐसी टेक्निक इज दैट टेक्निक इन विच द फूड कॉमोडिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर ऑलमोस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और अ फ्यू मिनट्स. कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक के लिए अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल आप जो अपनी फूड कॉमोडिटी होती है उसको आप डिप कर देते हैं किसके अंदर? बॉइलिंग वाटर के अंदर, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है ऑलमोस्ट. तो उससे क्या होता है, जो डिफरेंट हमें बेनिफिट्स हासिल होते हैं उनको हम देखते हैं. नंबर वन, लूज स्किन. फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज की बात की जाए तो टोमेटोज के अंदर जो स्किन होती है, अगर आपने उसको उसकी पीलिंग करनी है, उसको रिमूव करना है, तो आप बजाय इसके कि आप नाइफ से करें या आप कोई और मशीन यूज करें, आप उसकी ब्लांचिंग कर दें, उसकी स्किन लूज हो जाएगी और बाद में रबिंग से आराम से उतर जाएगी. देन ब्लांचिंग का एक और फायदा ये होता है, बेनिफिट ये होता है कि रिमूव एडहरिंग कंटेमिनेंट्स. जो सरफेस के ऊपर जो उसकी वो लगे होते हैं कंटेमिनेंट्स होते हैं, सॉयल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या अदर इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो ब्लांचिंग के जरिए वहां से रिमूव हो जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूव टिश्यू गैस, रिड्यूस वॉल्यूम, क्लोज फिलिंग. जब हम ब्लांचिंग कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो टिश्यू गैस होती है, जो उसकी सरफेस के ऊपर जमा हुई होती है या अंदर होती है, टिश्यू गैस सारी की सारी ब्लांचिंग के थ्रू रिमूव हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है हमारे फूड कॉमोडिटी का, वो कम हो जाता है. अब जब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसको हम पैकिंग करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी. जैसे हमने उसकी कैनिंग करनी है तो उसमें से हम ब्लांचिंग टेक्निक लगाएंगे वॉल्यूम रिड्यूस करने के बाद, तो वो इजीली क्लोजली फिल हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे. इसकी एग्जाम्पल इसमें आती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लांचिंग के जरिए क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स के अंदर ग्रीन कलर होता है वो मजीद फिक्स हो जाता है. जो वेजिटेबल्स होती हैं वो अपना ग्रीन कलर छोड़ती नहीं है, उनमें डिस्कलरेशन नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल पीस, स्पिनच, जो हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं. इसके बाद हम बात करते हैं रिमूव स्लाइम फॉर्मिंग सब्सटेंसेस इन वेजिटेबल्स. फॉर एग्जाम्पल ओकरा, लेडी फिंगर जिसे उर्दू में भिंडी कहते हैं. जो हमारे पास ब्लांचिंग का प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है कि हमारे पास जो स्लाइम फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होती हैं, जो जैसा आपने देखा होगा कि जब भी आप ओकरा को, लेडी फिंगर को कट करते हैं तो उसमें से स्लाइम सा निकलता है, लिक्विड सा निकलता है, मॉइस्ट सा. तो उसको आप रिमूव करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, आप ब्लांचिंग का प्रोसेस कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम घरों में ब्लांचिंग किस तरह कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पर ब्लांचिंग किस तरीके से कर सकते हैं. अगर हम इसमें बात करते हैं एट होम, तो हम सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बॉइलिंग वाटर के अंदर आप डिप कर दें, यहाँ पर प्रॉपर अगर टाइम देखें 2-5 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर.
इंडस्ट्रियल लेवल पे बात की जाए तो हम अपने रॉ मटेरियल्स को एक्सपोज करवाते हैं हॉट स्टीम के साथ। जब हॉट स्टीम उस पर इंटरेक्ट करती है तो वो उसकी ब्लांचिंग हो जाती है, और यहाँ पर हम यूज करते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे कि ब्लांचर्स। ब्लांचर्स केपी कभी आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। हम यहीं से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने लगे हैं, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लांचिंग। कि जब हमने ब्लांचिंग का जो प्रोसेस है उसको हमने अप्लाई कर दिया है, तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया है, टेक्निक इम्प्लीमेंट की है, वो सही है या नहीं है। इस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए हमने एक पैरामीटर बना लिया है, आइए उसे देखते हैं। जब भी हमने ब्लांचिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करना होगा कि हमारा ब्लांचिंग का प्रोसेस सही जा रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे फूड कमोडिटी के अंदर, परोक्सीडेज और कैटालेज, इन दोनों एंजाइम्स की एक्टिविटी को चेक करेंगे। अगर तो इनकी एक्टिविटी कम हो गई होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ब्लांचिंग हमारी सही जा रही है। हम स्पेसिफिकली इन दोनों एंजाइम्स को ही क्यों स्टडी करते हैं एज अ स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर, बिकॉज ये दोनों जो एंजाइम्स होते हैं ये मोस्ट हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट को सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, हाई लेवल पे बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। तो जब ये दोनों ब्लांचिंग के थ्रू ये दोनों एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब बाकी एंजाइम भी ऑलमोस्ट डीएक्टिवेट हो चुके होंगे। तो इसीलिए हमने इसको एक पैरामीटर बनाया है। और नेक्स्ट बात ये आती है कि हमने हीटिंग टाइम क्या अप्लाई करना है रॉ मटेरियल्स के लिए। इसमें ये आता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ना, उसकी नेचर किस तरह की है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके हिसाब से हम हीटिंग टाइम को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइज पार्टिकल्स, के हीटिंग टाइम हमने कितना देना है, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि जो आपका वो है फूड कमोडिटी है उसका जो साइज है, स्लाइसिंग की हुई है, डाइसिंग की हुई है, उसका साइज क्या है। नेक्स्ट इज हीटिंग मेथड, कि आपके पास आप हीटिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। घरों में आप, हमने बताया कि वो डिपिंग कर लेते हैं आप सिंपल, इंडस्ट्रीज के अंदर आप जाएं फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, इसके अंदर जो ब्लांचर होते हैं उसमें हॉट स्टीम इसके ऊपर थ्रो करवाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसकी, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको नोट डाउन करें, जो पीज होते हैं, मटर होते हैं, वो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लेते हैं क्या करने के लिए, ब्लांचिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, व्हेयरएज ओकरा टेक्स 1 to 2 मिनट्स। तो ये वेरी करता रहता है फ्रूट टू फ्रूट एंड वेजिटेबल टू वेजिटेबल। अब हम देखते हैं ब्लांचिंग के बाद यूज ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए क्योंकि कुछ हमारे पास एंजाइम्स इस तरह के थे, कुछ हमारे पास फूड कमोडिटीज इस तरह की थी कि जो ब्लांचिंग के थ्रू भी उनके अंदर एंजाइम्स जो थे वो डीएक्टिवेट नहीं हो रहे थे, दैट्स व्हाई वी यूज केमिकल्स। अब केमिकल्स में क्या होता है कि मैंने जैसे आपको भी बताया, एंजाइम में हमारे पास पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, इसकी हम हीटिंग कर लें, ब्लांचिंग कर लें, ये फिर भी एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। तो हमने भी केमिकल्स को यूज करना शुरू किया क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं वो एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, सब्सट्रेट्स को हमारे पास ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन की एंट्रेंस होती है फूड कमोडिटी के अंदर उसको लिमिट कर देते हैं। ये पॉइंट्स आप लोग जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हम कौन कौन से केमिकल्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास 2 केमिकल्स आते हैं, यहाँ मैंने लिख दिए हैं सल्फाइटिंग एजेंट्स और एस्कॉर्बिक एसिड। सल्फाइटिंग एजेंट्स में हमारे पास सबसे पहली चीज, 2 चीजें कौन सी आएंगी, या तो हम डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड से उसका ट्रीटमेंट करवा देंगे, या फिर हम सॉल्ट्स यूज करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के, जो SO2 रिलीज करेगी। पहले हम देखते हैं SO2 को, कि SO2 की जब डायरेक्ट हम इंटरेक्ट करवाएंगे अपनी फूड कम्युनिटी के साथ उसके केमिकल के तौर पर, तो फिर क्या उसका रिएक्शन होगा। जो हमारे पास सल्फाइटिंग एजेंट्स होते हैं वो जो हमारे पास एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि उनकी ग्रोथ कितनी होगी, कितनी है, उसको लिमिट वगैरह कर सकते हैं। ब्लीचिंग एजेंट्स के तौर पे काम कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेप्स की। अगर हम ग्रेप्स के अंदर SO2 की ट्रीटमेंट करवाते हैं, SO2 हमारे पास कहाँ से आएगा, बर्निंग सल्फर से आएगा, जो क्लोज चैम्बर के अंदर जो सल्फर बर्न हो रहा होता है उससे SO2 रिलीज होती है, और उसको हम ट्रीट करवाएंगे ग्रेप्स के साथ। ओके प्रोसेस है, जबरदस्त है, मगर इसमें लिमिटेशन क्या आती है, इनहेरेंट साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से हम इस चीज के ऊपर प्रेफर कर देते हैं किस चीज को, कि हम सॉल्ट्स यूज कर लें सोडियम और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के, क्योंकि जब हम सॉल्ट्स यूज करेंगे तो उसके कुछ बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम ग्रेप्स को डिप कर देंगे किसके अंदर, सोडियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के अंदर, तो
क्या होगा, जो SO2 का रिलीज होगा वो बहुत स्लोली होगा, स्लोली रिएक्ट करेगी, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो ब्लीचिंग एक्शन होगा वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ब्लीचिंग नहीं होगी तो पता हमारे लिए बेनिफिशियल है वो। टॉक्सिसिटी और बैड टेस्ट जो होगा वो भी अवॉइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे कि SO2 डायरेक्ट अप्लाई करवाने के कुछ लिमिटेशंस थी, इसी तरीके से इसके बेनिफिट्स के साथ साथ सॉल्ट्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर हम सोडियम और पोटेशियम मेटाबायोसल्फाइड यूज करते हैं तो उसकी लिमिटेशन हमारे पास क्या होती हैं कि जो थायमिन होता है वाइटामिन, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको पता है वाइटामिन ए कितना एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली हमारी आईज के लिए, विजन के लिए। नेक्स्ट ब्लीचेस नेचुरल कलर। अब जो हम ये सॉल्ट यूज कर रहे हैं सोडियम एंड पोटेशियम मेटाबायोसल्फाइड, इससे जो नेचुरल कलर होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का वो लीच डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके अलावा अगर हमने कैनिंग की हुई है, कैंस में पैक की हुई है फूड, तो वो जो कैंस होते हैं उसकी क्रोजन हो जाती है, ये बहुत इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसके बाद जो हमने सल्फाइटिंग एजेंट्स पढ़ लिए, सल्फाइटिंग एजेंट्स के बाद इसकी रिप्लेसमेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड एज कम्पेयर टू सल्फाइटिंग एजेंट्स एक हमारे पास बेटर ऑप्शन है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को कंट्रोल कर लेता है, किस तरीके से, बाय मेंटेनिंग फिनोलिक सब्सटेंसेस इन रिड्यूस्ड एंड कलरलेस स्टेट। ये हमारे पास जो फिनोलिक सब्सटेंसेस होती हैं उनको रिड्यूस्ड और कलरलेस स्टेट के अंदर रखता है। अगर हम अब यूज कितना करना है, ये इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से भी, शॉर्ट के हवाले से भी, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि अगर हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड यूज कर रहे हैं तो कितना यूज करें। ये आगे चलकर मैंने आप लोगों को इसमें इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा कि हमने सल्फाइटिंग किस तरीके से करनी है, वीडियोस देखते रहिएगा। अब हमने बात करी 0.3% अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड यूज करते हैं शुगर सिरप के अंदर तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ओनली 0.3% एस्कॉर्बिक एसिड इन शुगर सिरप। अगर हम इसकी थोड़ी कम क्वांटिटी यूज करते हैं जैसे कि 0.1% तो भी ओके है, ये अपना काम कर जाएगा। क्यों, किस तरह से करेगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ऑक्सीजन एंट्रेंस में बैरियर बन जाता है, ऑक्सीजन को मजीद एंटर नहीं होने देता, जिसकी वजह से फूड जो है वो ज्यादा फिर वो खराब नहीं होती। उसके अलावा लोअर पीएच, ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये पीएच को बहुत लो कर देता है, और इतनी लो कर देता है कि जो एंजाइम्स हैं वो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो गाइस ये सारा टॉपिक था, ये सारा चैप्टर था, ये सारा जो मैंने आप लोगों को लेक्चर एक्सप्लेन किया, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान अल्फाज में सिंपल करके आप लोगों को फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझाता हूँ। अगर इसी तरीके की आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, किस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन लेनी है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल masterji.com को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और आसान वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।